Goods and Services Tax, One Nation, One Tax, One Market. भावना मैम को हायर करने से पहले भी मैंने किसी को बाहर से पैसे दे के पीछे फॉलो करवाया था। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप करें तो वुमेन से ज्यादा बेस्ट है। तो फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा मुझे काम। उसके बाद तो फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम लोग साथ में, अब तो जब भी हमारा केस होता है तो नॉर्मली हम साथ में ही जाते हैं अगर लोकेशन बेटर होती है तो। मैंने फरीदाबाद में किया है केस, एक लॉयर है वो, उन्होंने शादी कर ली थी किसी पार्टी से लेकिन वो तब भी अपने हस्बैंड के ऊपर केस लगा के बैठी थी। यहाँ पर फ्लास्क है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, टॉय रूप में कैमरा है इस कार के शेप में, ये सेफ्टी टॉर्च है, इसको दबाने से आदमी को लगता है और वो कुछ सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाता है। मैं बहुत घबरा जाती थी, मुझे लगता था अगर मैं अंडर कवर बन के जा रही तो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। फिर ट्रेनिंग ली, उसमें हमको सिखाया कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको नॉर्मल बिहेव करना है। हेलो, कौन सा तुम्हें वो मॉर्निंग वाला क्रेडिट मिल गया? एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, तो आईपी एड्रेस में एक और सेम आईपी एड्रेस से ट्रांजैक्शन दिखा रहे। हेलो, ये वो गुड़गांव वाला केस स्टार्ट कर लो, वी हैव रिसीव्ड द फंड्स। दूसरा बैंगलोर में क्या चल रहा है मुझे उसका बताओ। माई शेड्यूल इज टू हेक्टिक इन अ डे। वी डू 65 to 70 सर्वेलेंस पैन इंडिया, देन इन्वेस्टिगेशन केसेज आर सेपरेट, देन यू हैव टॉल फ्री कॉल्स विच रेगुलरली कमिंग इन, प्लस यू हैव 4 ब्रांचेस, सो 4 ब्रांच मैनेजर्स दे कॉल्स यू इस केस में क्या करना है मैम, उस केस में क्या करना है। And Nidhi, being the backbone of this company, has been working with us since last approximately 8 to 9 years. Sometimes koi elderly person aata hai, jaya mam introduce karati hai, so her clear word is she's a director in the company and don't go on her looks. If you want, I'll show her age proof. It's like, please. Ashish. Hello. Baithe. CV? Ji. आशीष, आपकी फैमिली को पता है कि आपने ये ट्रेनिंग का कोर्स किया है? जी मैम। मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देती हूँ, हमें किसी को फॉलो करना है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपको पूरे दिल्ली दर्शन करा दे और हो सकता है कि 12 घंटे सिर्फ आप घर के बाहर खड़े रहो और वो बाहर भी ना निकले। जी, कर सकते हो काम? ऑफ कोर्स मैम। मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, एक लड़की का बैकग्राउंड चेक करना है जो घर पर ही रहती है, कैसे करोगे? नेबर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरा, इनका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, आस पड़ोस में होता है ना, कॉर्नर पर चाय वाला, सब्जी वाला हो गया या बारबर हो गया, उनसे बातचीत करके। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, लेट मी थिंक, और मैं आपको बताती हूँ। वन मोर थिंग मैम, कोई आई कार्ड वगैरह मिलेगा? डिटेक्टिव एजेंसी कभी भी आईडी कार्ड नहीं देती है, दैट इज़ फॉर योर ओन सिक्योरिटी। आप कहीं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हो, इंक्वायरी के लिए गए हो, आप कहते हो कि मैं लोन वाला बन के इंक्वायरी करने जाऊंगा, और अगर आपकी वहाँ पे चेकिंग हो जाती है और आपकी पॉकेट से आईडी कार्ड मिल गया तो। Am I audible? Yes.
Yes, sir. Okay, now tell me, who is the person, how is he related to you? Yeah, he is my cousin's son. What's the age of that person who has gone missing? His age is 16 years. So he is missing from Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. It's almost more than 2 months. So, what we can do in this case is, we will employ our full team there, and I want you to organize to search. Okay. We'll take it from the top. We'll start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3. Whenever I'll get time, I do inform you and then accordingly we'll catch up. Okay. Bye. Bye. You too. Yes. The CEO, they suspect, is passing on some information to the business competitors, right? Or maybe he is flanked by a business competitor only. So we are sitting here to have a brainstorming session that how can we resolve this case, and there is a deadline to this case. We have to submit our results within 30 days. Okay, so do we have access to his desktop? We can remove the hard disk? Our company can give an access to us. Original one we are going to send to the forensic lab. Right. And we are going to analyze whether he is doing something illegal. Does it belong to the company? Company owns it? The company owns it. We send somebody as a decoy customer. Why don't you form a company first? So we'll form a company basically. We are going to get a website prepared for that company, visiting cards prepared for that company. And if this person agrees to take the commission, we'll make a sting operation. Any other suggestion here? I think we can do his assets check. Ki agar wo person 35 lakh ki annual salary earn kar raha hai and assets 2 crore ka hai during 1 year tenure, that means he is definitely taking commission. As per the government, detective agency are the one who can do inquiries on someone, who can do investigations. Whatever videos which we make, sting operations for income proof, for maintenance proof, for adultery case, are all legal evidences which are valid in court. हमारी बॉम्बे ब्रांच ने केस बुक किया था. दे टोल्ड अस कि उनकी डॉटर को कोई ब्लैकमेल कर रहा है. इंडिपेंडेंट गर्ल है, काफ़ी टाइम से बॉम्बे में रह रही है. शी स्टार्ट गेटिंग वन मैसेजेस ऑन अ व्हाट्सएप फ्रॉम यूके नंबर. सो दैट वे दे स्टार्टेड चैटिंग विद ईच अदर. देन लड़के ने बोला कि मेरी वेकेशंस चल रही हैं तो मैं तुम्हें बॉम्बे में मिलता हूँ. ई केम टू मुंबई. दे स्टार्ट मीटिंग. दे बिकम क्लोज टू ईच अदर. जब भी वो उसके साथ पिक लेने की कोशिश करती, ही अवॉइडेड टेकिंग हिज पिक. These days everybody has Facebook account. Weirdly, he don't have a Facebook account. He don't want to share his photograph. Then they come to know the real guy, that he is a sex maniac. He wants first is money. Second, he wants her place to bring girls there. Third, he wants girl brings girl for him. So it was a total blind case jahan pe us boy ko hame dhoondna hai. देन उससे वो सारी वीडियोज़ रिकवर करनी है. वी ट्रेस दैट आई पी एड्रेस. वी फाउंड दैट वो आई पी एड्रेस कांदीवली के किसी एरिया का है और एक ही साइबर कैफ़े का यूज़ हो रहा है. सो वॉट वी डिसाइड, हमने उस साइबर कैफ़े पर एक स्टैटिक वॉच रखा. जितने भी लोग कैफ़े के अंदर गए हैं और बाहर आए हैं, हमने उन सब के फेसेस अपने क्लाइंट को दिखाए. एंड देन फाइनली शी आइडेंटिफाइड, यस दिस इज़ अ गाय. सो वी हैव वन इम्पॉर्टेंट क्लू दैट वी हैव फाइनली द बॉय फोटोग्राफ, कि वो ऐसा दिखता है. मेरी टीम ने उसको फॉलो किया. वी एबल टू ट्रेस कि वो एक कांदीवली ईस्ट के फ्लैट के अंदर गया है. When we did his inquiry, we found out that he is a married guy. Of 4 family members, 3 females, all 3 are working. Being single male, he is not working. Humne uske ghar pe raid kiya and we recover 2 cameras, 3 laptops, 4 hard disks, 5 pen drives. And he was carrying 4 or 5 phones also. जब हमने उसके लैपटॉप्स देखे, इट वॉज नॉट अ सिंगल गर्ल, देर 18 गर्ल्स जिसके इस तरीके के वीडियोस, फोटोग्राफ्स उसने अपने पास रखे हुए थे. उन सारी गर्ल्स को फ़ोन किया कि आपके वीडियोस इसके पास हैं एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग. एंड इट वॉज शॉक्ड कि वो उन सब गर्ल्स को भी ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा था जैसे हमारे क्लाइंट की डॉटर को कर रहा था.
Privacy kya hoti hai? Somebody is doing something inside the room. That is something is privacy. Whatever things you are doing on the public places. Wahan pe CCTV cameras bhi hain. Unki bhi footages mein aap aa rahe ho. Public transport like metro mein, buses mein ja rahe hain. Hum sirf wahi sari cheeze record kar rahe hain. So that's all our public. Hum kahin par bhi aapke private place mein ja hi nahi rahe. Sleuths India, the detective agencies won't do missing cats or missing animals cases.